हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिंपल एंड यूनिक किचन में। मेरा नाम है शालिनी। आज मैं मिल्क केक बनाऊंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मिल्क केक बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 1.5 किलो दूध, 250 ग्राम मावा, 100 ग्राम शक्कर और इलायची पाउडर की जरूरत है। सबसे पहले हम कढ़ाई गैस पे रखेंगे और उसमें दूध डालेंगे और दूध को अच्छे से पका लेंगे। जब दूध हल्का बॉईल होने पे आ जाए, हम दूध को अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमें दूध को बीच बीच में चलाते रहना है। इसमें हमें ज़्यादा मलाई नहीं पड़ने देनी है। इसे हमें बस गाढ़ा करना है। इसे हमें इतना गाढ़ा करना है कि जब हमारा दूध 1/4 रह जाए जितना हमने लिया है। इसे हम अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिल्क केक खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये आप घर पे आसानी से कभी भी बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है वो काफी कम हो गया है और ये दूध हमारा काफी गाढ़ा होने लगा है। ये आप देखिए, हमारा दूध कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें मावा डाल देंगे और मावा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे और शक्कर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे जब तक पकाना है, जब तक कि ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए, शक्कर इसमें एकदम मेल्ट ना हो जाए, इसकी एकदम चाशनी ना बन जाए, और फिर उसके बाद ये तीनों चीज मिलकर एकदम गाढ़ी ना हो जाए, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, इसे हमें तब तक पकाना है। इसमें अप्रोक्स 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। जब तक वो पक रहा है, हम एक बर्तन लेंगे और उसमें घी डालेंगे और उसे चारों तरफ घी से ग्रीस कर लेंगे। हमने एल्यूमिनियम का बर्तन लिया है केक जमाने के लिए। आप हो सके तो एल्यूमिनियम का ही बर्तन लें, नहीं तो आप स्टील का भी बर्तन यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारा जो केक का मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है, इसलिए अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर का केक में स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। इसे अब हम मिक्स करेंगे और इस मिश्रण को गरम गरम ही केक जमाने वाले बर्तन में डाल देंगे और इसे ढककर साइड से 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद इसे हम फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में हम इसे 5 घंटे के लिए रखते हैं और 5 घंटे बाद हमारा केक बनकर तैयार है। इसे अब हम नाइफ की मदद से चारों तरफ घुमाते हुए प्लेट में निकाल लेंगे। पहले हम इसे चारों तरफ घुमाते हुए केक के बर्तन से बाहर निकालेंगे और इसे पलट कर उस प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसे अब हम, और ये जो हमारा केक है वो अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।